सरोकार। यूक्रेन में सामूहिक हत्याओं पर बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी बताया, युद्ध अपराधों के मुकदमा शुरू करने की उठाई मांग। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, संसद में आज भी हंगामे के आसार। दिल्ली पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन, आज पीएम और अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। ग्रैमी अवार्ड जीतने के लिए फाल्गुनी शाह को पीएम मोदी ने दी बधाई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की सुनी समस्याएं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। 15 दिन के अंदर अब तक 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम तेल कंपनियों की तरफ से बढ़ाए जा चुके हैं। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आ रही है और ये घटकर करीब $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी कीमतों में इजाफा कर आम जनता को महंगाई का झटका दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से दोनों के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़े दाम के बाद देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 104.61 प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 95.87 प्रति लीटर बिक रहा है। तो आपको बताते चले कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा किया जा रहा है और लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से जनता पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र के जाटवपुरा टायर मंडी मोहल्ले में अंबेडकर समाज पार्टी के विवादित पोस्टर लगे हैं। विवादित पोस्टर पर हिंदू आतंकवाद के नाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसके चलते हिंदू समाज के कुछ लोगों ने एसएसपी बरेली से विवादित पोस्टर को लेकर शिकायत की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है। साथ ही एसएसपी ने इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। मेरा मामला ये है, कल किसी समय रात को हमारे जाटकपुरा में पोस्टर लगाए गए हैं कोई अंबेडकर समाज पार्टी नाम से, कोई नई पार्टी बनी है, उसमें कुछ शब्द हैं इस पोस्टर में जो कि उससे मुझे आपत्ति है, जिसमें से एक है हिंदू आतंकवाद। मैं इन साहब से, जो तेज सिंह है, इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये हिंदू आतंकवाद से क्या मतलब है। हिंदू आतंकवादी कब से हो गया और आतंकवादियों का आज तक कितने हिंदू हैं जिनका आतंकवादी मास्टर नाम आया है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2022 के 12वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने सनराइज हैदराबाद को 12 रनों से हरा दिया। 170 रन के स्कोर का पीछा करते हुए हैदराबाद की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मात्र 13 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद कप्तान केन भी कुछ कमाल नहीं कर सके और 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद राहुल और मार्करम ने टीम को संभाला, लेकिन राहुल भी मात्र 44 रन बनाकर आउट हो गए। कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और हैदराबाद को 12 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ के लाइट आवेश खान 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए हैं। खबर बदायूं से है, जहां त्योहारों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नगर ने कोतवाली क्षेत्र के 6 सड़का से घंटाघर चौराहा, सराफा बाजार तथा मालवीय गंज चौराहे तक फुट पेट्रोलिंग करते हुए आम जनता के साथ संवाद किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों को किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है।
तो आपको बताते चले कि आगामी त्योहार को लेकर बदायूं में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन फुट पेट्रोलिंग के जरिए जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। गोरखपुर में हुए सुरक्षा बल पर हमले के बाद अयोध्या में सुरक्षा घेरा अब सख्त कर दिया गया है, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाए जाने की तैयारियां की जा रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए सभी प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग की जा रही है। तो वहीं सीसीटीवी के माध्यम से संपूर्ण मेला क्षेत्र में संदिग्धों पर पुलिस विभाग अपनी नजर रखेगा। पुलिस के सभी दस्ते सक्रिय कर दिए गए हैं। ये कोविड के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जन्मभूमि के निर्णय के बाद ये पहला ऐसा चैत्र रामनवमी का मेला है जो बड़े पैमाने पर होने की संभावना है, और अभी से यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ गई है। तो ATS कमांडो के साथ हमारे PSC और जो बाहर से हमारे फोर्स अधिकारी आए हैं और आम पब्लिक जो अभी से मेले में आना शुरू हो गई है, उनके मन में सुरक्षा का विश्वास पैदा करना, अपराधियों में खुराफावी तत्वों में भय पैदा करना, ये हमारा ये फुट मार्च और पैदल मार्च का ये हमारा उद्देश्य है। कहाँ से कहाँ तक ये हम लोगों ने राम की पैड़ी से लेके हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि और कनक भवन जो हमारे मुख्य मंदिर हैं, मुख्य मार्ग हैं, सभी में हम लोगों ने रूट मार्च किया है। खबर गाजीपुर से है, जहां जंगीपुर थाना क्षेत्र के सादतपुर गांव में लगभग 20 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों ने करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी बिरनो के मंडल महामंत्री और सादतपुर निवासी दुष्यंत सिंह ने बताया कि प्रभावित किसानों में खरभान सिंह, अशोक सिंह समेत कई किसान शामिल हैं, जिसके बाद दुष्यंत सिंह ने उपजिलाधिकारी से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया है। औरैया में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल के कुशल निर्देशन में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मोबाइल चोर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए 7 मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो जनपद के घरों, दुकानों और व्यस्तम जगहों से मोबाइल फोन चोरी कर क्षेत्र में 2 या 3 हजार रुपए में उन्हें बेच देते थे। खबर औरैया से है, जहां इरवाकटरा थाना क्षेत्र के नगला इमलिया में तिरवी संस्कार में खाना खाने के दौरान कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते तिरवी संस्कार का कार्यक्रम जंग के मैदान में तब्दील हो गया। इस झड़प के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के घायल हुए लोगों को CHC इरवाकटरा भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कहाँ के निवासी? थाना एरवाकटरा। क्या घटना हुई अभी जो रात आप अस्पताल में? क्या है? हमारी दादी की तेरहवीं थी, तो हम दादी के तेरहवीं संस्कार में लगे हुए थे। हमारे ही गांव के सुषपाल, श्रीपाल, जयवीर, पिंटू, सुरेश चंद के लड़का अनुज और सुरेश चंद के सारे के लड़का टिंकू जो जेल में है, उसका भैया पिंकू और उसके अन्य साथियों ने मिलकर के हम सब लोगों पर धारदार हथियार लेकर के, कट्टा लेकर के, तमंचा लेकर के हमला बोल दिया।
कन्नौज में एक निजी स्कूल में छात्रों को नमाज पढ़ाए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विरोध जताया और छिबरामऊ एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला छिबरामऊ नगर में सिटी चिल्ड्रन के नाम से स्कूल का बताया जा रहा है। वह स्कूल प्रबंधक ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। स्कूल प्रबंधक ने मामले में सफाई देते हुए बताया कि स्कूल में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की प्रार्थनाएं भी कराई जाती हैं। सिटी चिल्ड्रंस एकेडमी विद्यालय है जिसको संचालित प्रदीप प्रदान करते हैं, उस विद्यालय में छोटे छोटे नाबालिग बच्चों से नमाज अदा करवाई जाती है शुक्रवार के दिन। तो यह पूर्ण रूप से शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, संस्कृति के साथ खिलवाड़ है और छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी कुछ समझ नहीं है उनको मानसिक रूप से रोगी बनाया जा रहा है, धर्म के विरुद्ध तैयार किया जा रहा है। जब सारे वहाँ पर बच्चे हिंदू हैं तो इस विचारधारा के साथ नमाज कराने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। और शिक्षण संस्थान पर सिर्फ शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए आज हम लोग एसडीएम साहब से मिले हैं और इस संबंध में विद्यालय की मान्यता निरस्त की जाए एवं प्रदीप प्रधान जो संस्थापक हैं विद्यालय के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सप्ताह के 6 दिनों में प्रतिदिन विद्यालय में सुबह अलग अलग ईश प्रार्थनाएं होती हैं, अंग्रेजी की, हिंदी की और उर्दू की। अब उर्दू की किसी ईश प्रार्थना को कोई नमाज बता करके प्रचारित कर दे तो इस पे तो सिर्फ हंसी भी आती है कभी कभी और ऐसा भी लगता है कि मानसिक दिवालियापन जैसी चीज है। और बाकी सभी चीजें स्पष्ट है, बच्चों की स्कूल डायरी में भी उनका उल्लेख है। तो ये एकदम से भ्रामक है और एकदम से असत्य है कि विद्यालय में बच्चों को नमाज पढ़ाई जाती है, कोई औचित्य नहीं बैठता इसका। एटा में जिलाधिकारी व जनपद के तमाम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही जनपद स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए सभी से अपील की है। इस दौरान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, वहीं कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डीएम अंकित अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र में 100% बच्चों का स्कूल में नामांकन के लिए प्रयास किया जाएगा और प्रत्येक विद्यालय में एक स्मार्ट क्लासरूम भी अवश्य बनाया जाएगा। शुभारंभ किया गया इस कार्यक्रम के दौरान जो जनपद के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पहले तो बच्चों को सम्मानित किया। इसके बाद वहां के डीएम ने कहा कि स्कूलों में 100% नामांकन कराने की पूरी कोशिश की जाएगी जिससे जनपद के सभी बच्चे स्कूल जा सके। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।